गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इपॉक्साइड ओपनिंग रिएक्शन के बारे में। ओके, दिस वन इज इपॉक्साइड ओपनिंग्स। देखिए, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने इपॉक्साइड फॉर्मेशन के बारे में स्टडी की थी एंड हमने समरी ऑफ इपॉक्साइडाइजिंग रिएजेंट के बारे में स्टडी की थी। आज हम देखते हैं कि इपॉक्साइड ओपनिंग के लिए कौन कौन से रिएजेंट रहेंगे। एसिड कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन या इपॉक्साइड ओपनिंग रिएक्शन के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपका की पॉइंट रहता है इसके अंदर कि जो भी इपॉक्साइड रहता है, लाइक दिस वन इपॉक्साइड है आपके, इपॉक्साइड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस की तरह ये एक्ट करता है और आपको न्यूक्लियोफाइल के रूप में कोई अदर रिएजेंट दे रखे होते। अब न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ पे रेडियो सेलेक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। रेडियो सेलेक्टिविटी किसकी रहती है? देखिए, इपॉक्साइड के ऊपर दो पोजीशन आपके पास जनरेट रहती है, जिसको मैं देता हूँ कार्बन नंबर वन, इसके देता हूँ कार्बन नंबर टू। या तो न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन वन के ऊपर अटैच हो सकता है या टू के ऊपर। इस हिसाब से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट आइसोमर के रूप में मिलेगा। तो चलिए, जो रिएजेंट हमें यूज्ड होते हैं इपॉक्साइड ओपनिंग के लिए वो वन बाय वन देख लेते हैं एंड देन हम इसके ऊपर वन बाय वन लेक्चर बनाएंगे। फर्स्ट रिएजेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, लाइक ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिलता है? R-। इसी टाइप से गिलमन रिएजेंट आप यूज में ले सकते हैं, लाइक R2 कॉपर लिथियम, डाई एल्किल कॉपर लिथियम। यहाँ से मुझे जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो भी R- रहेगा। अब आप जो ओपनिंग है वो आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी कर सकते हैं। एसिडिक कंडीशन के अंदर इपॉक्साइड की ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर आप बेसिक कंडीशन में भी इपॉक्साइड की ओपनिंग देखने को मिलती है। तो एसिड और बेसिक दोनों कंडीशन में रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल चेंज हो जाती है। ओके, एसिडिक कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो मोर सबस्टिट्यूटेड पोजिशन के ऊपर अटैक करता है। लाइक ये आपके पास इपॉक्साइड है, इसमें पोजिशन नंबर वन एंड टू है, तो मोर सबस्टिट्यूटेड पोजिशन कौन है? टू। तो एसिडिक कंडीशन में ओपनिंग कहाँ से होती है? जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो टू नंबर पे अटैक करता है। कब? जब आपको एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड दे रखी होती है। बट बेसिक कंडीशन में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? बेसिक कंडीशन में वन नंबर से अटैक करता है। कब? जब आपको बेसिक कंडीशन प्रोवाइडेड हो। तो ये था आपका एसिडिक और बेसिक कंडीशन के ऊपर रिंग ओपनिंग। अब आप ले सकते हो एलडीए बेस। ओके, एलडीए बेस से भी आप इपॉक्साइड ओपन कर सकते हो। फिफ्थ आपके पास है डीएमएसओ सॉल्वेंट के थ्रू। सिक्स नंबर आपके पास रिएजेंट है लिथियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एमीन। देखिए, लिथियम या सोडियम मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर रहते हैं, वन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का काम करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी आपका इपॉक्साइड ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका लिथियम इन ट्राई इथाइल एमाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएजेंट रहता है वो है विटिक रिएजेंट। आपके पास जो इलिड्स रहते हैं वो भी आपके इपॉक्साइड ओपन के लिए हम काम में ले सकते हैं। और एट पॉइंट है इसके अंदर, वो रहता है आपके पास ट्राई मिथाइल सिलाइल आयोडाइड। इसमें आपका जो सिलिकन पार्ट है वो डेल्टा पॉजिटिव बिहेव करता है, आयोडाइड डेल्टा नेगेटिव बिहेव करता है और आपका इपॉक्साइड ओपन होता है। कुछ स्कीम्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है कि इपॉक्साइड ओपनिंग कैसे होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जनरल इपॉक्साइड कैसा बिहेव करता है, इपॉक्साइड बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए होता है। न्यूक्लियोफाइल दो पोजीशन के ऊपर अटैक कर सकता है, एक लेस क्राउडिंग साइट, इसको नाम देता हूँ वन, एक मोर क्राउडेड या मोर सबस्टिट्यूटेड साइट जिसे मैं नाम देता हूँ टू। तो वन पोजीशन क्या है? लेस क्राउडिंग एंड पोजिशन सेकेंड क्या है? मोर क्राउडिंग या आप लेस क्राउडिंग को कह सकते हो लेस सब इंस्टीट्यूटेड पोजिशन। जबकि आपका जो पोजिशन टू है वो आप बोल सकते हो मोर सब इंस्टीट्यूटेड पोजिशन। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल या तो वन के ऊपर अटैक करेगा या टू के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन रिएजेंट हम जो भी यूज में ले रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा? लेस सबस्टिट्यूटेड पोजीशन के ऊपर। तो ये वन नंबर के ऊपर अटैक करेगा तो आपको इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दिस वन दिस।
ओके, टू नंबर पे हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है तो ये भी आपका वन नंबर पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा और टू नंबर के ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड आएगा, ये आपका रहेगा प्रोडक्ट। ओके, अगर आपके पास दे रखा है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस तो ये भी आपका वन नंबर पोजीशन पे अटैक करेगा और आपको वन टू डायोल देखने को मिलेगा। ये क्या मिला आपको, वन टू डायोल देखने को मिला, दिस वन इज वन टू डायोल। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल दे रखा है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है वो आपका रहेगा C2H5MgBr। इस कंडीशन में आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, C2H5 नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ पे अटैक करेगा, पोजीशन नंबर वन के ऊपर। ओके, और आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, हाईलाइट करता हूँ येलो से। ओके, इसी टाइप से अगर आपके पास गिलमन रिएजेंट है, गिलमन रिएजेंट के रूप में आप ले सकते हो C2H5 ट्वाइस कॉपर लिथियम, तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा आपके पास, C2H5 नेगेटिव। कहाँ पे अटैक करेगा, वन नंबर पोजीशन के ऊपर, लेस सबस्टिट्यूटेड पोजीशन पे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वन टू, यानी वन के ऊपर इथाइल पोर्शन था जो कि चैन के रूप में आपके पास रहेगा। ओके, तो ये आप चैन के रूप में लिखेंगे दिस OH, ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। ओके, तो ये था आपका इपॉक्साइड ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड रिएजेंट। इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे पर्टिकुलरली एसिडिक कंडीशन में इपॉक्साइड ओपन कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।